खैर सलाम है सुप्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन आज हमारी और आपकी इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है, कल है संडे, हमारा होगा रेस्ट डे, लेकिन बिल्कुल इसी वक्त पर आप देख पाएंगे बेस्ट ऑफ जागो लाहौर। कल तो वैसे आपकी भी छुट्टी है ना, बहुत से शहरियों ने वीकेंड भरपूर इंजॉय करने का प्लान बना लिया होगा और कुछ तो कल की पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कल एक और बहुत अहम दिन है जी, 25 अक्टूबर है जी, और कल ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है। आवाम के लिए ट्रेन चलने जा रही है, इफ्तिताह तो खैर कल हो जाएगा, लेकिन आप शहरी परसों यानी पीर की सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक रोजाना सफर कर पाएंगे। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, मुझे आपको ये बताना है महकमे स्कूल की नाकाम पॉलिसीज है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट एवरेज बढ़ने लगी है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों से 2.5 लाख बच्चों के ड्रॉप आउट होने का इंकशाफ हुआ है। आतिफ परवेज की रिपोर्ट में देख लेते हैं। हर बच्चा तालीम याफ्ता, हुकूमती ख्वाब बिखरने लगा। स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने के हुकूमती दावे तो एक तरफ, स्कूलों में मौजूद तलबा भी स्कूल छोड़ने लगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों से 2.5 लाख बच्चों के ड्रॉप आउट होने का इंकशाफ हुआ है। जराए के मुताबिक स्कूलों को फंड्स न मिलने और गैर मुनसफाना पॉलिसियाँ बच्चों के ड्रॉप होने की वजह बनी। कुछ अरसा कबल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 26 लाख थी, मौजूदा तादाद 23,34,000 बताई जा रही है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों में मुल्क भर में पंजाब पहले नंबर पर है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हुकाम ने ड्रॉप आउट होने की वजह कोरोना वायरस को करार दिया। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी, इसी हवाले पे हमने मजीद बात करनी है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है। आतिफ बताइएगा, ये ड्रॉप आउट की तादाद बढ़ती जा रही है बच्चों की, 26 लाख बच्चे स्कूल जा रहे थे, अब करीबन 23 लाख के करीब बताए जा रहे हैं, वजूहात क्या सामने आ रही है? जी, मामला ये है कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो जो पंजाब एजुकेशन के फाउंडेशन के जो पार्टनर स्कूल हैं वहां पर बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो स्कूलों को फंड नहीं दिए जाते, फिर इसके साथ साथ जो है फंड ना होने की वजह से स्कूलों के जो इंतजामिया है वो काफी परेशान है और स्कूल भी बंद हो रहे हैं। अब हर साल जो पहले ये था कि स्कूलों को इजाजत थी कि जितने ये दाखिले कर सकते हैं दाखिले करने की इजाजत होती थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से इन स्कूलों को महदूद दाखिले करने की इजाजत दी जा रही है कि आपने महदूद दाखिले करने हैं, इससे एक सर्टन जो है तादाद बता दी जाती है कि इतने बच्चे रहेंगे, इससे ज्यादा जो है आप दाखिले नहीं कर सकते। हमें ये बताइए कि नए स्कूल्स बन नहीं रहे, हमने कोई मोबाइल स्कूल्स की भी सुनी थी बात, वो भी अभी तक मामले का कुछ पता नहीं है, लिमिटेड एडमिशन्स की इजाजत आप हमें बता रहे हैं, तो फिर बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे स्कूल जाएंगे? जी बिल्कुल, ये सब भी बात कर रहे हैं कि जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब पहली तकरीर की थी तो उन्होंने ये तरजीहात में एजुकेशन को लिया था कि एजुकेशन जो है वो तरजीहात में शामिल होगी, और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी ये ऐलान किया गया था, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना नए स्कूल बन रहे हैं, जो ऐलान किया गए थे मनसूबे वो भी मुकम्मल नहीं हो पा रहे, तो जो स्कूलों में मौजूद बच्चे हैं वो ही बाहर जा रहे हैं, तो जो दावे किए गए थे कि स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लाया जाएगा, उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। अब ना सिर्फ टेफ बल्कि दीगर स्कूल जो है जनरल स्कूलों में भी ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, तो ये स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और जो बुनियादी हक है रियासत का, हुकूमत का, कि वो फर्ज बनता है कि वो बच्चों को जो है तालीम दें, सेहत दें, तो ये बुनियादी हकूक ही उनसे लिए जा रहे हैं और जो स्कूलों से बच्चे निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मामले पे हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर रहे थे। यकीनी तौर पर वजीर आजम साहब मुसलसल अपनी तकारीर में, चाहे वो कंटेनर्स पे थी या फिर गवर्नमेंट में आने के बाद थी, वो मुसलसल बताते रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों पॉइंट्स उनको बहुत ज्यादा उनकी टॉप प्रायोरिटीज में शामिल है, लेकिन अब देखा जा रहा है जी दोनों ही ये मामला जो है दोनों डिपार्टमेंट बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। बेचारे लोग जो हैं वो उनकी तकारीर के झांसे में तो आ गए थे, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अस्पताल का रुख करते हैं तो वहां पर भी बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, जो अस्पतालों की सूरत हाल की बात हो रही है, बीमारियों की थोड़ा बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस सी जो कि इंतहाई मोहलिक बीमारी भी बन जाती है, इसी के तदारों के लिए 70 अरब रुपये का PC1 आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। मनसूबे के तहत पाकिस्तान की 14 करोड़ आबादी को स्क्रीन किया जाएगा। लाहौर में 90 लाख अफराद की स्क्रीनिंग होगी। हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग पोलियो तर्ज पर घर घर जाकर की जाएगी। मजीद क्या डिटेल्स है इस प्लान पर, कब से इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, बिलाल चौधरी रिपोर्ट में बता रहे हैं।
सेहत की सहूलियात, भरपूर हुकूमती इकदामात, हेपेटाइटिस सी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा, वज़ीर आज़म प्रोग्राम बराए तदारुक हेपेटाइटिस सी का 70 अरब रुपए का PC1 आखिरी मराहिल में मंजूरी के लिए प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया। मंसूबे का 51% हिस्सा सूबा पंजाब को दिया जाएगा, जिसके लिए PC1 में पंजाब के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान की 14 करोड़ आबादी को स्क्रीन किया जाएगा। पंजाब में 8 करोड़ आबादी की स्क्रीनिंग की जाएगी। लाहौर में 9 लाख अफराद की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग 12 साल से 80 साल तक की उम्र के हर फर्द की जाएगी। हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग पोलियो तर्ज पर घर घर जाकर की जाएगी। स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस सी मस्बत आने पर PCR टेस्ट और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोहम्मद उस्मान का कहना था कि हेपेटाइटिस सी का तेजी से फैलाव तशवीशनाक है। इसकी रोकथाम के हवाले से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हेपेटाइटिस सी के तदारुक का 10 साला मंसूबा 2 फेज पर मुश्तमिल है। मंसूबे के तहत 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है। बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। के हवाले से मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने मुसाफिरों के रहनुमाई के लिए ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी है। ट्रेन के ऑपरेशन से मुतालिक भी प्लान बना लिया गया है। 27 ट्रेनें ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। डिटेल्स क्या है शेख जैन की रिपोर्ट में देखते हैं। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन से मुतालिक पहली ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी गई। बराए मेहरबानी अपनी सीट जरूरतमंद मुसाफिरों को दे दें। वीडियो में ट्रेन के किराया और इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात दी गई हैं। एनिमेटेड फर्जी किरदार ट्रेन में सवार होने का तरीका बता रहे हैं। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए वैलिडेटर से गुजरेंगे, उन्हें अपने टोकन और कार्ड वैलिडेटर स्क्रीन पर मार्क हुए एरिया पर रखने होंगे। वीडियो में बताया गया है कि ट्रेन का एक तरफा किराया 40 रुपए है। 3 साल और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए ट्रेन का सफर मुफ्त होगा। हर ट्रिप में एक डायरेक्शन में जाने के लिए 40 रुपए का टोकन है। 3 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कोई टोकन नहीं है। ट्रेन के सफर के लिए कार्ड के निर्ख 130 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। कार्ड का हसूल मेट्रो स्टेशन से ही मुमकिन बनाया जाएगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन का ऑपरेशनल प्लान तैयार कर लिया। ऑरेंज ट्रेन ऑपरेशन में 37 ट्रेनें शामिल हैं। हर ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल होगी। एक ट्रेन में 1350 अफराद बैठ और खड़े होकर सफर कर सकेंगे। ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन पर रुकने का दौरानिया 30 सेकंड से 1 मिनट तक है। ट्रेन एकतरफा चक्कर 40 से 45 मिनट में तय करेगी। ऑरेंज ट्रेन सुबह 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक चलती रहेगी। पीक आवर्स में हर 5 मिनट में ट्रेन डिपो से ट्रैक पर आएगी। ऑरेंज ट्रेन की ड्राइव को GPS सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। तहम ट्रेन में ड्राइवर्स मौजूद रहेंगे। शेख जैनुल आबेदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। मास ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से एक वीडियो तो जारी कर दी गई है, जिसमें रहनुमाई की जा रही है मुसाफिरों की कि किस तरह से उन्होंने ट्रेन तक पहुंचना है, किस तरह से उन्होंने टोकन खरीदना है, किस तरह से ट्रेन में सवार होना है। लेकिन आज हमने भी एक स्पेशल सेगमेंट इसी हवाले से डिजाइन किया, जिसमें हम भी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगे, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ट्रेन पर सफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड मौजूद है, आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। कार्ड मौजूद नहीं है, अगर आप पे करना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, तो फिर आप किस तरह से उसका क्वाइन टोकन हासिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे, जो हमेशा बात करती हूँ, मेरे आपके हम सबके मुश्तरका मसले, महंगाई महंगाई सिर्फ महंगाई के हवाले से। हर सू एक ही दोहाई सुनाई दे रही है। सरकारी निर्खों में 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि सब्जियां और फलों की फरोख्त सरकारी निर्ख नामों के बरक्स जारी है। दुकानदार मनमाने रेट आज भी वसूल कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या डिटेल्स है अब्दुल कादिर मदनी से जान लेते हैं। अब्दुल कादिर, कौन से बाजार में आप मौजूद हैं? सबसे पहले आज हमें ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज है जो कि सस्ती हुई है आज? बिल्कुल सिदरा, कुछ सब्जियों की कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम तो रही हैं, उनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन ये बाजार सिर्फ मार्केट कमेटी के नर्ख नामों तक है, क्योंकि ओपन मार्केट में जितनी भी सब्जियां हैं उनकी कीमतें सरकारी नर्ख नामों के पर जो दर्ज है उससे जायद वसूल की जा रही है। और टमाटर की कीमत में जो है वो गैर मामूली इजाफा आज देखने को मिल रहा है। सरकारी नर्ख नामों में ही टमाटर जो है 15 रुपए फी किलो बढ़कर 130 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। ताहम ओपन मार्केट में जो टमाटर है वो शहरियों को 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख किए जा रहे हैं। दीगर मौसमी सब्जियों में बैंगन जो है वो 2 रुपए फी किलो
महंगे किए गए हैं। 30 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन बैंगन जो है वो 30 के बरक्स दुगने दामों 60 रुपए फी किलो तक फरोख किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च की कीमत में गैर मामूली इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, 217 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर। ये तो हो गई ओपन मार्केट की सूरत हाल जो आपने बयान की है, सहूलत बाजारों की सुनाइए, किस हद तक आवाम को सहूलत मिल पा रही है? सहूलत बाजार जो है वहाँ पर तमाम सब्जियां तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो अशिया जरूरी है जिसमें सब्ज मसाले शामिल हैं, इसके अलावा आटा चीनी जो है वो शामिल है, वो तो जो सहूलत बाजार के तय करता नरकनामे उसी पर शहरियों को मिल रहे हैं, लेकिन शहरियों को जो है वो मतलूबा मकदार में अशिया नहीं मिल रही है। मकदार जो है वो मुकर्रर की गई है, जैसे चीनी है वो 1 किलो से जायद जो है वो शहरी वसूल नहीं करेंगे। टमाटर जो है वो अगर ओपन मार्केट में 160-180 रुपए फी किलो तक है, लेकिन सहूलत बाजार के मुकर्रर करदा नर्ख जो है उसके मुताबिक शहरियों को टमाटर 1 से 2 किलो तक मिलेंगे। इसी तरह प्याज जो है वो भी जो है वो मतलूबा मकदार में शहरियों को नहीं मिल रहा, और इस हवाले से सहूलत बाजार के इंतजामिया का मौकफ ये है, क्योंकि सहूलत बाजार जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं। जो मकदार जो मुकर्रर की गई है वो इसलिए की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी जो है वो इस सहूलत बाजारों से सहूलत और रिलीफ हासिल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ओपन मार्केट की सहूलत बाजारों की आप हमें बता रहे थे जी, किस तरह से आवाम की सहूलत के लिए कायम कर दिए गए, कुछ लोगों को वहां पे सहूलत मिल भी रही है, और कहा जा रहा है जी जरा इंतजामिया की जानिब से कि आने वाले दिनों में सहूलत बाजारों के स्टॉल्स भी बढ़ा दिए जाएंगे और सहूलत बाजारों का दायरा कार भी वसी कर दिया जाएगा। वापिस आते हैं जी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में पोलियो के मर्ज से आगाही और उसके खात्मे के लिए कोशिशों को तेज करना होता है। ये दिन हर साल 24 अक्टूबर को यानी आज के दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे हैं जहाँ आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी पोलियो जैसा मर्ज मौजूद है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इंसदादे पोलियो मुहिम जा रही है, लेकिन ये मोहलिक वायरस बदस्तूर मौजूद है। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर आलमी सतह पर पोलियो के खात्मे की मुहिम में 1994 में शामिल हुआ था। पोलियो वायरस के फैलाव की सबसे बड़ी वजह हर गुजरते साल के साथ मुख्तलिफ खदशात का जन्म लेना है। कभी लोग अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाना मगरिब की साजिश करार दे देते हैं, कभी इंसदादे पोलियो रजाकारों को जासूसी के नेटवर्क का आलाकार समझना शुरू हो जाते हैं, कई अफराध इसको गैर शरई भी समझते हैं। हालांकि इस हवाले से दुनिया के जैयद उलमाए कराम के फतवे भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आलमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि हम इस मूजी मर्ज के खिलाफ जंग 99% तक जीत चुके हैं, और अगर इन 2 ममालिक से भी पोलियो का खात्मा हो जाए तो ये वायरस पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। एदादो शुमार की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में पोलियो केसेस की बुलंदतरीन सतह 2014 में देखी गई थी, जब मुल्क में पोलियो वायरस के मरीजों की तादाद 306 तक जा पहुंची थी। ये शरह पिछले 14 साल की बुलंदतरीन शरह थी। ताहम उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से आलमी तंजीमों के तावन से मकामी सतह पर पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम उठाए गए, जिसके बाद सन 2015 में ये तादाद कम हो गई, 54 पर आ गई। सन 2016 में हमने देखे कि सिर्फ 20 केसेस रह गए। सन 2017 में पोलियो के 8 केसेस रिपोर्ट हुए। ताहम गुज़िश्ता 3 सालों से पोलियो केसेस मुसलसल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। चंद रोज कबल पंजाब में पोलियो का एक और केस सामने आया है, जिसके बाद पाकिस्तान भर में पोलियो केसेस की तादाद 74 जबकि पंजाब में एक्टिव पोलियो केसेस की तादाद 10 तक जा पहुंची है। रवां साल सूबे में पोलियो वायरस की जद में आकर 4 बच्चे जान की बाजी भी हार चुके हैं, जिनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर शहर से भी था। 5 साल से कम उम्र बच्चों को बाकायदगी से कतरे पिलाकर उम्र भर की मजदूरी से बचाया जा सकता है, और माशरे के तमाम तबकात को आज के दिन इस अज़्म का इआदा करना है कि मुल्क को मिलकर पोलियो से पाक बनाना है। इसी हवाले पे हमने बात करनी है
कि केसेस किसी साल में बढ़ जाते हैं, किसी साल में कम हो जाते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया की जानिब से पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। पाकिस्तान आने वाले कितने सालों में पोलियो फ्री हो जाएगा? अभी तक पोलियो फ्री क्यों नहीं हो पाया? कहां पर खला मौजूद है जिस पे काम करने की जरूरत है? हमारे साथ मौजूद है जी प्रोफेसर ज़रफ़िशा साहिबा है, डीन है आप इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी, बिलाल आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहिबा सबसे पहले तो ये अभी तक केसेस बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि 2014 की मैंने डिटेल्स बताई हैं कि कम हो गए थे, दो तीन साल खास से कम रहे हैं, अब फिर बढ़ना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। पोलियो प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे वैक्सीनेटर्स की भी जो दिन रात इस काम में लगे रहते हैं। हर महीने इसके पोलियो डेज मनाए जाते हैं, पोलियो कंपेन्स जो हैं वो बड़ी एग्रेसिवली रोबस्टली उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इसकी बहुत सी वजूहात हैं, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ, आपने जिस तरह भी खुद ही बताया कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर ये केसेस रह गए हुए हैं। सो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इज़ वन ऑफ द केसेस कि आप अगर अपने बच्चों की वैक्सीनेशन भी कर लेते हैं तो आपके नॉन इम्यूनाइज कुछ बच्चे अगर बाहर से भी आ जाते हैं उसमें अगर वो पोलियो का वायरस लेके आ जाएंगे तो फिर एक ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। लेकिन प्रोफेसर साहिबा पूरी दुनिया में 99% खत्म हो गया ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन लोगों की, ये तो सारी दुनिया में ही चलता रहता है, हम बाहर कंट्री तो नहीं है कि बाहर से लोग आते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं नेबरिंग कंट्री की बात कर रही हूँ, ये तो एक वजह है। इसके अलावा जो बाकी वजूहत हैं वो इसकी वैक्सीनेशन की डिनाइल है लोगों की तरफ से, कि जब आप उसका रिफ्यूज़ल करते हैं वो जिस तरह आपने उसकी वजूहत बताई हैं, कुछ मजहबी वजूहत की वजह से उसकी करते हैं, बहुत सी मिथ्स हैं जो इसकी वैक्सीनेशन के साथ अटैच्ड हैं। अगर हम अपनी वैक्सीनेशन 100% अंडर 5 बच्चों में करने में कामयाब हो जाएँ तो आप ये गारंटीड है कि इस मर्ज़ पर काबू पा लिया जाएगा और ये पाकिस्तान से इसका खात्मा हो जाएगा। अच्छा बिलाल हमें ये बताइए कि अब कुछ साल पहले हमने देखा कि पोलियो वर्कर्स के साथ ताबुन नहीं करते थे लोग, उनको तशद्दुद का निशाना बना देते थे, उनके खिलाफ मज़ाहमत करते थे, अब तो ये सूरत हाल बेहतर हो गई है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, आज क्योंकि पोलियो का आलमी दिन है तो आज हम आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे क्यों कर पोलियो पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो रहा। तो जिस तरह आपने अभी अपने इंटरव्यू में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है और जिस तरह भी आपने बताया कि लोगों के अंदर पोलियो के हवाले से एक अजीब किस्म की खदशात है और मज़ाहमत है, जिसकी वजह से वैक्सीनेटर जब जाते हैं तो उनके साथ तल्ख कलामी भी की जाती है। अभी 2020 में रिसेंट ईयर जो चल रहा है इसमें इस तरह के वाकयात बहुत कम हुए, ये बेसिकली शुरू हुए थे 2018 और 2019 में, जिसमें सोशल मीडिया पे केपीके पे और कराची में कुछ लाहौर के दो थे जहाँ पे सोशल मीडिया पे इस तरह की गलत प्रोपेगेंडा जो किया गया, जिसकी वजह से फिर लोगों के अंदर इसके हवाले से एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी, लोगों ने अपने बच्चों को कतरे पिलाने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ग्रुप्स ने जाके जिसमें मजहबी ग्रुप्स को साथ लिया, कुछ इन्फ्लुएंसर जो मजीद जो थे उनको साथ लिया, फिर उन जो लोग थे उनको जाके समझाया, इसमें तो बड़ी हद तक कमी आ चुकी है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया कि साथ नेबर कंट्री अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, सरहदें मिलती हैं, लोगों के माइंड सेट मिलते हैं, खासकर ये जो वायरस है अभी भी केपीके में सबसे ज्यादा है, पंजाब में नहीं होते थे 2018 से पहले, पंजाब में सिर्फ इक्का दुक्का केस होते थे, आज पंजाब में 77 केसेस हो चुके हैं, लाहौर में 12 केसेस हो चुके हैं, जबकि इससे पहले लाहौर में 2018 से पहले मैक्सिमम 2 या 3 केस, बड़ा बहुत रेयर। अब आप ये देख लें कि लाहौर के अब कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलसल कई माह से जो पॉजिटिव जो सैंपल हैं वो आ रहे हैं, अभी तक हम उनको खत्म नहीं कर। ये डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि लाहौर शहर के हम बात करें तो ज्यादा खतरनाक है, रेड जोन उनको करार दिया जा सकता है कि हमेशा वहां से सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं? हमारे लाहौर के जो स्लम्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी हाइजेनिक कंडीशंस या आपकी सैनिटेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो अंदरूनी शहर के जो एरियाज हैं वो आपके मेन फोकस होने चाहिए, ये हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ से आपके केसेस आते हैं। एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगी कि जिस तरह बिलाल ने अभी कहा कि पंजाब से हमें अभी तक 12 केसेस आए हैं, लेकिन अगर हम इसको बाकी सूबों से कंपेयर करें तो वहाँ पे पंजाब से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और उसमें सबसे डिफिकल्ट जो सूबा अगर आप कह लें तो वो बलूचिस्तान है, क्योंकि एक तो उसमें वहाँ पे रिफ्यूजल भी ज्यादा है। प्रोफेसर साहब अभी तो हमने पाकिस्तान की बात करनी है ना, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान पे पाबंदी लगती है, ये फिर सूबे वाइज पाबंदी भी नहीं लगती, लेकिन हमें उसकी वजूहत देखनी है ना कि वजूहत क्या है, कि अगर आपके हार्ड टू रीच एरियाज हैं, कोई ऐसे मुश्किल एरियाज हैं जहां तक सड़क नहीं जाती, वहां पे आपके बच्चे हैं,
जिन तक वैक्सीन नहीं पहुंच सकती तो हमें उसका हल तलाश करना होगा, क्योंकि 100% वही बात है कि 100% कवरेज जो है वो इसमें इंतहाई अहम है। ठीक प्रोफेसर साहब, अब हमें ये बताइए कि ये पोलियो जो है ये फैलता किस तरह से है। आपने बताया कि माहौल का बहुत अमल दखल है, हमारे यहाँ तो साफ पानी नहीं मिलता लोगों को पीने के लिए, सीवरेज का पानी मिक्स होकर टैब्स में आ रहा होता है, बेचारे गरीब लोग जो फिल्टर्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, पानी खरीद के नहीं पी सकते, वो वही पीते हैं। इसमें जो आपने बात कही है वही इसका सबसे अहम है इसके अंदर, कि जो ओरोफिकल रूट जिसे हम कहते हैं कि मुंह के जरिए से जो है ये आंतड़ियों में जाके वायरस जो है वहाँ से स्प्रेड करता है और आमतौर पर पानी और खाने के साथ होता है। अगर हमारे पीने के पानी में सीवरेज के पानी की जो है वो मिक्स हो जाता है उसके साथ, तो फिर ये कि ये वायरस भी जो है इंटेस्टाइन से जाके ये वहाँ पे स्प्रेड करता है। अगर ये ब्रेन में जाके इन्वेड कर जाए तो ये पोलियो इरिवर्सिबल पैरालिसिस कॉज कर देता है, जो कि सारी उम्र की एक मजूरी छोड़ जाता है। और अगर ये ब्रेन तक नहीं जाता उससे पहले वहाँ पर, जिसे हम एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस जिसकी और भी बहुत सी वजूहत हैं, करें तो वो रिवर्सिबल होता है। ठीक बिलाल, हम देख रहे हैं कि जब भी पोलियो कैंपेन्स तो होती हैं, अभी तक हमारा सिस्टम वही कागजों वाला ही चल रहा है, हमें मुश्किल होता है ना, आप इतने पूरे लाहौर शहर को पूरे पंजाब को कवर कर रहे हैं, फिर आप देखते हैं जी किस बच्चे ने पिया किसे, कागजों पे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सिद्रा, मैंने पहले बताया कि आज पोलियो का आलमी दिन है, मैं यहाँ पे सिर्फ चार जो बातें जो बता रहा हूँ, अगर महकमा सेहत इनको अडॉप्ट कर ले ठीक तो यकीन करें पाकिस्तान में पोलियो वायरस ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि अर्बनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे हो रही है, लोग देहातों से दूसरे इलाकों से आ रहे हैं, लाहौर में आ रहे हैं, अगर लाहौर की बात करें तो इस तरह बच्चों की भी मूवमेंट है, वायरस है। अगर बाहर से कोई एक बच्चा आ गया लाहौर क्लियर है तो वायरस अपना छोड़ गया, उसकी इम्यूनाइजेशन नहीं हुई तो वो यहाँ से वापस भी चला जाएगा, तो वो फिर यहाँ से ड्रेनेज के जरिए जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब ड्रिंकिंग वाटर करते हैं या कोई और भी चीज़ करते हैं और रोड के जरिए अगर वायरस चला जाता है तो इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बहरहाल इनको रोकना चाहिए, जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं यहाँ पे हर साल 24/7 और इनकी वहाँ टीम्स मौजूद हो जहाँ पर इनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। दूसरा इशू इसमें यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक जो स्कूल में बच्चे दाखिले लेने के लिए आते हैं उन पे सख्ती नहीं की गई। कई ऐसे बच्चे हैं जब बच्चों की बर्थ होती है तो उनको वैक्सीनेशन पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवाई जाती, उनके प्रॉपर कार्ड्स नहीं बने जाते, जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनके पास कोई उनका वैक्सीनेशन का ये या प्रोफेसर साहब ये वैसे एक बड़ा गैप है, क्योंकि हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले में छोटा मोटा क्लिनिक तो है, वो पता नहीं सही वाले डॉक्टर्स का क्लिनिक भी है या नहीं है, अताई बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर किसने कार्ड बनाने हैं, किसने बच्चों को। बिल्कुल आपकी बात, और बिलाल ने भी बड़ा अच्छा राइटली पॉइंटेड आउट कि ये हमारा इशू डेफिनेटली है कि अगर हम बच्चों को वही जहाँ पे जो जो रास्ते हैं, मतलब एक तो ये कि क्रॉस बॉर्डर के रास्ते पे पोलियो ड्रॉप्स को मस्त कर दें, स्कूलों में कार्डों का जो है कार्ड जो है पोलियो कार्ड्स हैं उनके दाखिले के वक्त उनका मस्त कर दें कि उसका देखना कि बच्चों ने पिए हैं, और फिर वहाँ पे भी अग्रेसिव कंपेन्स, टीचर्स में एक अवेयरनेस आ जाए कि जिन्होंने अग्रेसिवली बच्चों का रिकॉर्ड सारा चेक करना है, तो ये चीजें कि जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं इस डिजीज के कंट्रोल में। ठीक प्रोफेसर साहब, अब हमें ये बताइए कि कोरोना में कैंपेन्स नहीं हुई, तकरीबन कोई 7-8 महीने का गैप आया, उसकी वजह से केसेस बढ़ सकते हैं आने वाले वक्त में, रिजल्ट्स कब तक सामने आएंगे, एक्सपेक्टेड क्या है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोरोना हमारी एक ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया आप कह लें कि इफेक्ट हुई, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, तो उसकी वजह से जो तवज्जो है हमारी बाकी जगहों से कुछ ना कुछ डाइवर्ट होके बाकी चीज़ें जो है वो इग्नोर हुई हैं, निगलेक्ट हुई हैं। इसके जो आप देखें कि इसके जो नतायज हैं वो हमें अगले आप समझे 1 से 1.5 महीने के अंदर उसके जो नंबर्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आपको पता ही है कि मैक्सिमम 14 दिन का होता है, लेकिन मैक्सिमम कहते हैं कि 30 से 35 दिन में भी जा सकते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, 5 साल से कम उम्र बच्चे ही मुतासिर होंगे या फिर जिंदगी के किसी भी हिस्से में किसी भी उम्र में पोलियो आपको जकड़ सकता है? मोस्टली अभी तक जो केसेस हैं वो तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे ही हैं, लेकिन ये कि वही हमारा सरमाया होते हैं, क्योंकि वही हमारी फ्यूचर नेशन जाके आगे कौम का जिसे कहते हैं लगाम उन्होंने ही संभालनी होती है, तो वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही हैं, पहले मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए थे, एक अर्बनाइजेशन को कंट्रोल किया जाए, दूसरा जो वैक्सीनेशन कार्ड है स्कूल में एडमिशन के लिए उस पर सख्ती की जाए, तीसरा फैक्टर जो ये था कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बता रही है 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं, आप देखें लाहौर में जो गुज़िश्ता 4 जो अमवात हुई हैं उसमें जो 2 अमवात थी वो 13 से 14 साल के बच्चे की थी, फिर उनकी अमवात कैसे हो गई? तो इस वजह से वायरस जो है ये हम सब में मौजूद है,
हम पे ये है कि हमारा डीएक्टिव है, इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है तो वो उतना एक्टिव नहीं होता। जब तक ये पोलियो की वैक्सीनेशन ये तमाम उम्र के लोगों को, तमाम एज फैक्टर को नहीं, एज ग्रुप को नहीं पिलाई जाएगी। अच्छा, इसका जवाब ले लेते हैं पहले डॉक्टर साहब। ये जो बिलाल ने पॉइंट उठाया है कि सब बड़ों छोटों को सबको वैक्सीन पिला दें, कुछ कंट्रीज ने इसको प्रैक्टिस किया है और वहाँ पे कामयाब भी हुए, हमारे यहाँ अभी तक क्यों नहीं ऐसा कुछ प्लान किया? मेरे ख्याल में पहला जो हमारा इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए जी। बिलाल की भी बात ठीक है कि अगर हम उस इतनी एक्सटेंसिव उसके ऊपर चले जाएं तो वो जाया जा सकता है, वो एक एडिड प्रोटेक्शन है, लेकिन पहले हमें अपनी जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको एड्रेस करना चाहिए। जब आपको लगे कि उसके लिए आपकी कंपेन या आपकी कवरेज 100% हो गई है तो फिर आप बाकी पॉपुलेशन के ऊपर जाना शुरू करें। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज हमारे अंदर जो वायरस मौजूद है, हमें हमारा तो इम्यूनिटी लेवल बेहतर है, लेकिन जो बच्चे हैं उनका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा वीक है, क्योंकि जब वायरस हमारे से बाहर जाके ड्रेनेज में जाएगा तो आगे वो कहीं ना कहीं जब उन बच्चों तक पहुंचेगा तो अल्टीमेटली वो उससे इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह फिर ये जो सिस्टम है वायरस का, क्योंकि वायरस ने उससे तो नहीं होना तो ये चलता रहेगा, इसी वजह से जो कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी जानिब से ये प्रैक्टिस की गई है और उस पर उनकी जानिब एक्सरसाइज किया गया है कि आप तमाम इशू, पता क्या है सिद्धा, इशू ये है कि तमाम पाकिस्तान की 22 करोड़ जो आबादी है, अब सबको ये करेंगे बहुत मुश्किल काम है, महकमा सेहत के बस की बात नहीं है, और इस वजह से ये इस उस साइड पे जो जा नहीं रहे। अब 5 साल की मिनिमम रिसोर्सेज है ना हमारे पास, मिनिमम रिसोर्सिंग मसल्स पावर की बड़ी शॉर्टेज है, और फिर रेगुलर जो इम्प्लॉयज हैं उनका बड़ा फुकदान है, तो बड़े इश्यूज हैं। अगर ये बड़ा मुश्किल एक स्टेप होगा, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जाके आज से 2-4 साल बाद 5 साल बाद। प्रोफेसर साहब, ये जो प्लान बनाए जाते हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, अभी 26 अक्टूबर से फिर से कैंपेन शुरू होने वाली है, हर बार कुछ प्लान चेंज किया जाता है इलाके वाइज या फिर जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है? नहीं, उसमें उसको थॉरली देखा जाता है, जो भी डेटा है, जो उसके इंडिकेटर्स हैं, उसको रिकॉर्ड को, डेटा को क्लोजली देखा जाता है, सर्विलेंस। अब मेरा आपसे भी यही सवाल है कि इतने सारे कागजात फाइल्स उन्होंने पकड़ी हुई होती है, टिक लगा रहे, कैसे देखेंगे इंसान के बस में क्या ये है? बात आपकी ठीक है कि अल्टीमेटली हमें इसकी डिजिटलाइजेशन के ऊपर जाना चाहिए। हाँ, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें ये कि जो डिजिटलाइजेशन के बाद आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं उसका तो कंपैरिजन नहीं है कागजों में। बिल्कुल, लेकिन बात वही आ जाती है जो इससे पहले आप और बिलाल कर रहे थे कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज की ह्यूमन, खासतौर पर डिजिटलाइजेशन में मेरा ख्याल है इतने रिसोर्सेज, अब तो PITB खासा एक्टिव है, सभी इदारों की मदद कर रहे हैं। PITB तो हमारा, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और वो सारे इदारों को हेल्प आउट भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह ना कि PID भी अपनी एक ट्रेनिंग दे देता है, उसके बाद डाउन द डिस्ट्रिक्ट्स तक जाके हमें ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपके पास कितना IT एक्सपर्ट का ऐसा ह्यूमन रिसोर्स बैठा हुआ है जिसको आप डिजिटलाइजेशन पे ट्रेनिंग दे देंगे और उस लेवल पे लेंगे? जाना चाहिए, ग्रेजुअली जाना चाहिए ताकि उसमें कोई गैप ना रह जाए और उसको कम्प्लीटली कवर कर दिया जाए। ठीक, बिलाल 26 से कैंपेन शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, 26 से शुरू होने वाला, उससे पहले मेरा जो चौथा पॉइंट था वो रह गया। अब इसमें इशू ये है कि आप देखें केसेस आ रहे हैं, लोग मतलब जाते हैं नहीं पिलाते तो कोई भी उनका कुछ नहीं कर रहा। समटाइम जो DDHOs जो होते हैं या वहाँ के वैक्सीनेटर्स होते हैं, कोई मजाहमत होती है, तलखला में होती है, समटाइम लड़ाई झगड़े होते हैं, FIR होती है, लेकिन उसको बाद में कोई बैकअप नहीं करता। तो इसी तरह जब तक हम इसके ऊपर कोई सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, सपोज अगर कहीं किसी का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार निकल आता है तो उसके पेरेंट्स के खिलाफ भी कोई ना कहीं जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे या आप उन पे इम्प्लीमेंट कोई सजा जजा नहीं रखेंगे तब तक ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। अच्छा बिलाल, आपके पॉइंट से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि प्रोफेसर साहब हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनके पेरेंट्स बाकायदा ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे पिलाए, और बड़े अच्छे लोग भी हैं जो कि बड़ी जिम्मेदारी से पोलियो के कतरे पिलाते हैं, उसके बावजूद बच्चों में पोलियो केसेस एक्टिव, वायरस एक्टिव हुआ। जो बिलाल की जजा और सजा वाली बात है ना, वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन जजा और सजा आपने किसको देनी है? मेरे ख्याल में इसमें पहले एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल। जो बंदा वहां पर रिस्पॉन्सिबल हो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके फिर जजा और सजा का अमल जो है वो उसके ऊपर लागू किया जाए। आपकी बात भी ठीक है कि बहुत से पेरेंट्स ने कतरे पिलाए होते हैं, लेकिन मे बी वो हमारी स्टोरेज चेन, ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीन की क्वालिटी, ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक कंप्लीट इंक्वायरी आप करते जाएं कि जहाँ पे केसेस आए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो हमें बड़ा हेल्प आउट करेगा, बल्कि फ्यूचर में कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल में भी हमारे लिए बड़ा मददगार। प्रोफेसर साहब, अब हमें ये बताइए कि ये कितनी देर के बाद एक कैंपेन का हो जाना चाहिए, 2-3-4 महीने के गैप से, और कितनी फ्रीक्वेंटली बच्चों को कतरे पिलाने चाहिए?
देखिए जी, इसमें तो जो एक हमारा नॉर्मल वैक्सीनेशन स्केड्यूल है वो तो यही है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, फिर 6 वीक्स पे, फिर 10 पे, फिर 14 हफ्ते पे, और फिर जब आपकी कैंपेन्स होती हैं उसमें जो आपके बच्चे रह जाते हैं उसको ढूंढ ढूंढ के फिर उनको भी पिलाते हैं। सो ये तो एक रेगुलर एक्टिविटी है जो कि मुझे पता है कि डिस्ट्रिक्ट में बड़ी रिलीजियसली ये जो एक्टिविटी है होती भी है, इसको हेल्थ डिपार्टमेंटल लेवल पे इसको मॉनिटर भी किया जाता है। लेकिन जो और वजूहात हैं इसकी, जिस तरह उन्होंने कहा है कि अगर हम हर केस का, जिसे कहते हैं कि उसका एनालिसिस करना शुरू कर दें, फॉरेंसिक एनालिसिस करें कि क्यों उसकी वजह क्या थी, तो हमें बहुत सी नई वजूहात भी हमारे सामने आ सकती हैं जिस पे अभी तक जिनको एड्रेस नहीं किया गया और ना सोचा गया उनके बारे में। ठीक बिलाल, कैंपेन कितने रोजा होगी उसकी भी जरा हमारे देखने वालों को इन्फॉर्मेशन दीजिए। बिल्कुल, 26 से दोबारा शुरू की जा रही है और इस दफ़ा भी वही 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में तकरीबन 18-19 लाख के करीब जो बच्चे हैं उनको पिलाए जाएंगे, इसी तरह पंजाब में तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं उनको पिलाए जाएंगे। ये भी मतलब पाकिस्तान लेवल पे की जा रही है और इसमें फिर ये वही है कि एक रूटीन के साथ की जा रही है, वही एक कुछ नया नहीं आ रहा। तो जब तक सिस्टम में थोड़ी सी आप तब्दीली नहीं लेके आएंगे, थोड़ा सा आप अग्रेसिव नहीं होंगे। अच्छा बिलाल, थोड़ी इसमें भी करप्शन होती है ना, इसमें भी बेईमानी लोग कर जाते हैं कि लोगों के घरों तक किसी ने नहीं गेट खोला तो हमने नहीं वो किया तो हम आगे चले गए, हमने टिक कर दिया कि भाई हमने पिला दिया बच्चों को। देखिए सितरा, ये जो चीज है ये मेरा ख्याल रहेगी भी, ये कुछ तो बाजूका लोग घरों में बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं है, एक उनकी जानिब से भी है, कुछ फिर हमारे जो टीम्स हैं उनकी जानिब से बाद हर एक नहीं बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब 90% बहुत अच्छा काम करते हैं, हो सकता है कि 2-4% कुछ ऐसी शिकायत मिलती हैं तो वो बाज़ुकात इस तरह पेपर वर्क कर लेती हैं लेकिन उस जगह तक नहीं जाती क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं जो वहां जहां पे जाना पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। और इनमें से बाद मैंने पोलियो वर्कर्स देखे हैं कि सैलाब के दिनों में भी कोई कश्ती में बैठ के जा रहा है, कोई मतलब बड़े कोई सड़क ही नहीं है वहां पे जा रहे हैं, कोई साइकिलों पे जा रहे हैं, कोई ऊंटों पे बैठ के जा रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बाद कुछ चीजें रह भी जाती हैं, फिर वही बात आती है कि जो मिसिंग जो पर्सन रह गए हैं, जो 2-4 बच्चे रह जाएंगे वो फिर वायरस को उसी तरह फैलाएंगे। तो इसी हवाले से मैंने भी देखा कि डॉक्टर साहब इसको करेंगे, अभी हम जो पोलियो की जो वैक्सीन दे रहे हैं वो दे रहे हैं ओरल वाली जो पीने वाली है, इसमें एक इंजेक्टेबल भी है और मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक ये है कि जो इंजेक्टेबल है उसकी जो एफिकेसी है वो ओरल वाली जो वैक्सीन है उससे ज्यादा है। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगी, ऐसा ही है जी? दो तरह की वैक्सीन होती है, एक वो ओरल होती है, एक इंजेक्टेबल वैक्सीन होती है जी। दुनिया में पहले जहाँ पे जब तक वायरस सर्कुलेट कर रहा होता है किसी मुल्क में तो उसमें ओरल वैक्सीन दी जाती है, जब आप खत्म होने की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, आपके केसेस कम होने शुरू हो जाते हैं तो इंजेक्टेबल की तरफ चले जाते हैं। अभी हम खत्म होने की तरफ जा रहे हैं या अभी हम दूर हैं? अभी जो है हमारा, जिस तरह इससे पहले जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया था, नाइजीरिया उस लिस्ट में आ गया हुआ है कि जिसमें वो इंजेक्टेबल की तरफ जा रहे हैं, आप ऑब्जर्विंग तकरीबन ऑब्जर्विंग कंट्री हो गई और उसको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। पाकिस्तान का अभी वो स्टेटस नहीं आया लेकिन जब आएगा तो फिर हमें एक स्टेज के बाद इंजेक्टेबल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वायरस हमें इन्वायरमेंटल सैंपल्स में मिल रहा है या बाकी और भी कुछ किसी से भी आइसोलेट हो रहा है, ये हमारा वैक्सीन ड्राइव्ड वायरस भी कुछ केसेस में आ रहा है, तो जब हम इंजेक्टेबल में जाएंगे तो वो हमारा किल्ड वायरस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखने वालों को हमारे ये बताइए कि उन्होंने अपने तौर पर, हर बंदे ने क्या एहतियात करना है? जी अपने तौर पे मेक श्योर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है जो कि बार बार हम सारे उसको रिपीट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को इंश्योर करें कि उसको वैक्सीन, उसको इसके कतरे पिलाए गए हैं, पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। उसके बाद ये कि अपनी हाइजेनिक कंडीशन डेफिनेटली बेहतर करें, पानी जो है उबाल के बच्चों को दिया जाए, पिलाया जाए, खाने के मामले में उनकी एहतियात की जाए। हाँ तो वही एक जो हाइजीन के असूल हैं जिसमें हमारी कोरोना में भी ट्रेनिंग हुई है, हमारा मज़हब भी उसके ऊपर एम्फसाइज करता है, उन सब को आप अपने बच्चों को बार बार ट्रेन करें। और लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके बच्चों ने पोलियो के कतरे नहीं पिए, खुद उनको हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास लेके जाएँ और इंसिस्ट करें कि जी ये बच्चे हैं। अगर आपको किसी कुछ ऐसे बच्चों का भी पता है अपने मोहल्ले में है, गिर दें जिनको कतरे नहीं पिलाए गए या वो किसी मुश्किल जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके हेल्थ वर्कर्स नहीं पहुंच सके, तो हेल्थ अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। ठीक है बिलाल, ये लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि सारी हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, हमने भी तो कुछ करना है ना। बहुत जरूरी है। देखें सितरा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि हम तो घरों में जा जा के पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, लोग वो भी नहीं पी रहे।
आप देखें कि बाहर के ममालिक में ये वैक्सीनेशन कई लोग पैसों की देके करवाते हैं, जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एहतियात करनी है जी, जब भी पोलियो वर्कर्स आपके गेट पर आए तो एक तो गेट जल्दी खोलना है, दूसरा बच्चों को कतरे जरूर पिलाना है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब इंसान एक बार कुछ करने की ठान लेता है तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है, ऐसे पर दिल बड़ा करते हैं, ऐसे आपको हिम्मत मिलती है कि आप जो है वो फिर मुश्किल से मुश्किल काम भी कर गुजरते हैं। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है जी इंसान को, जब वो किसी चीज को करने की सोच लेता है तो उसे यकीनी तौर पर फिर वो कर लेता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बाहिम्मत नौजवान से करवाते हैं जिसने माजूरी को रोग नहीं बनने दिया, जिसने माजूरी को अपनी तरक्की के आड़े नहीं आने दिया और अपने शौक की तकमील के लिए हिम्मत का मुजाहरा करते हुए दूसरों के लिए आज एक आला मिसाल कायम कर दिया। कुछ माह कबल एक हादसे में मुआज़ाहिद के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि उनका एक हाथ ज़ाया हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने हिम्मत की, क्योंकि एकदम से तो इंसान टूट जाता है, एकदम से इंसान को लगता है कि शायद वो अब खत्म हो गया है, इनके साथ क्या हुआ था, हम इन्हीं की जबानी जानेंगे। मौज प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करती हूँ अपनी पूरी कौम की जानिब से कि आपने हिम्मत की है, वरना छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाए तो लोग समझते हैं कि बस अब जिंदगी एंड हो गई है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही है कि बेसिकली मेरा आइडिया ही ये है कि जिनको लगता है छोटी छोटी कोई हादसा हो गया, कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, ठीक है, तो उन्हें लगता है शायद जिंदगी खत्म हो गई या आप सब कुछ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन आपके साथ छोटा हादसा नहीं हुआ, आपका तो पूरा राइट हैंड जिसके साथ आप सब काम करते थे, हुआ क्या था? हुआ ऐसे था कि मुझे करंट लगा था 11,000 वॉट्स का, ठीक है, मेन हाई टेंशन वायर से मुझे करंट लगा था। मैं काफी हाइट, लाइक थर्ड फ्लोर पे था तो हाथ भी मेरा इवन पास पहुंच गया, रात का टाइम था, नजर भी नहीं आई था, ठीक है, तो हाथ मेरा उस पर लग गया। तो बस वो जब वो लगा है, हाथ लगा है, उस वक्त तो मुझे नहीं पता लगा, मैं नीचे गिर गया, ठीक है, बालकनी में ही गिर गया, ठीक है, तो तब तो लगा था कि मैं बस गया, ठीक है, जो मेरे मुंह में आया मैंने पढ़ भी लिया इवन के, ठीक है, बट द थिंग इज थोड़ी देर रियलाइजेशन हुई कि नहीं भाई बच गए, अभी बचत हो गई, ठीक है। बट जब रियलाइजेशन हो गई, उठ गया वहाँ से, फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पर थे, एक डॉक्टर भी थे साथ वहाँ पर, ठीक है, उन्होंने उठाया, लेके गए मेरे डॉक्टर के पास ले गए, तो तभी इवन एक चीज़ माइंड में थी कि मुझे पता है मैं कहां से वापस आया हूं, ठीक ठीक है, इट वाज लाइक डेथ एक्सपीरियंस, यस ठीक है। तो जब ये हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद यही माइंड में रहा कि मां साहब खैर एक हाथ गया है, एक अभी है, दोनों टांगे चल रही हैं। अच्छा, इतनी ही हिम्मत रही पहले से? पहले उसी वक्त से इवन, ठीक है, कि उस अल्लाह ताला ने जिंदगी दे दी, जिंदगी बच गई है, जिंदगी बच गई है, और ये कि एक चीज गई है, ठीक, कितनी बच भी तो गई है, दिमाग चल रहा है, आंखें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ सलामत है, दोनों टांगे सलामत है, अंदर से सब कुछ बच गया। क्या बात है, यही सोच है जो आपको आगे बढ़ा। एग्जैक्टली इसी सोच ने ही बेसिकली इसी यू नो अपनी ही एक सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट होती है अल्लाह ताला की तरफ से ही, मैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं अगर कहूँ कि मैंने हिम्मत की, नहीं, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने ही बचाया, अल्लाह ताला ने बचाया भी ऐसे कि शुक्र है मेरा हाथ जब वायर पे लगा, बैग से मेरी बैग ग्रिल के साथ अटैच हो गई, ग्राउंड हो गया, मेरी बैग सारी बर्न हो गई थी, ठीक है, शुक्र है कि अंदर कहीं टच नहीं हो गया, ठीक है, डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि शुक्र है कि अंदर कहीं नहीं लग गया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आया हूँ आज। अच्छा, फिर ये कितनी देर पुराना ये इंसिडेंट है आपके साथ हुआ, फिर आपने ये आर्टिफिशियल जो है वो पूरा आर्म लगवा रखा है? जी जी जी, इसके हवाले से भी हमें बताइए कि ये कब आपने लगवाया, कितना देर हो गया है, ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए, आसानी से सब काम करते हैं अब आप? मैं बेसिकली ऐसे हुआ कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था जुलाई को, जुलाई में, 4th of July को हुआ था, उन दिनों में कोविड का भी काफ़ी इशू चल रहा था, डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में भी यानी कि चल रहे थे, एडमिट नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर्स उनकी मजबूरी थी, सर्जन अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, ठीक है, तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ थी। अगर उसमें आपको ये कहें कि नहीं यार ये हो सकता था, ये हो सकता था, नहीं, जो होना था वो हुआ, ठीक है। फैसलाबाद से लाहौर आके पिंग किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को देखने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही बस यही कि भाई हुआ, एक्चुअली जो मेजर रीजन बनी थी वो ये हुआ था कि हाथ जो है वो लाइफ थ्रेट बन चुका था, ठीक, जो पॉइजन लेवल था वो ब्लड में फैल रहा था, वो 11,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 17.9 हो चुका था, नियर 18,000, तो डॉक्टर्स भी यही कहते कि यार अब जान बचाते हैं, जान बचानी जरूरी है, हाथ तो नहीं बच रहा, ठीक है।
तो एक ये भी नॉलेज मिले कि ठीक है यार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है फिर अगर आपको करंट लग जाए कुछ मदद हो सकती है, यही एग्जैक्टली फिर वही माइंड में था, चल रहा था, क्योंकि मैं खुद आईटी से मेरा ताल्लुक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, ठीक है तो सर्चिंग भी चल रही है, सारे कजन्स भाई पेरेंट्स सब लगे हुए हैं कि यार सॉल्यूशंस देखो, पूरी दुनिया में एक दिन चल रहे हैं, ठीक है तो फिर पाकिस्तान में ये सॉल्यूशन मिला बायोनिक्स, ये बेसिकली कराची बेस्ड कंपनी है, ठीक है तो पाकिस्तान में वही लोग अभी ये बायोनिक काम कैसे फंक्शन कैसे करता है, ये ऐसे है कि क्योंकि फिंगर्स भी मूव हो रही है, वैसे हम देखते हैं कि अगर कुछ है भी तो वो ठीक है, ये बेसिकली सारे भी प्रैक्टिस, मैं भी खुद इसमें लाइक प्रैक्टिस में हूँ, ठीक है क्योंकि 3 months पहले तो इवन हादसा हुआ, उसके बाद 1 month मैंने लिया, डॉक्टर्स कह रहे थे कि 3 months आपको बेड रेस्ट चाहिए, लेकिन मैंने कहा 3 months बेड पे कौन रहेगा, शुक्र है बच्चे तो होगी, टांगे चल रही है, जो कर सकते हैं वो तो करें, ठीक है तो ये बेसिकली ऐसे है कि सेंसर्स हैं, सेंसर्स मसल से अटैच है, अब हमारे मसल जो है वो माइंड के साथ हमारे दिमाग के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है अब इवन हम लोग आप अपना कोई भी राइट या लेफ्ट हैंड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है तो अगर आपको दिमाग सिग्नल्स ना भेजे तो आप उसके साथ नहीं कर सकते बिल्कुल, आप बात कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है तो द थिंग इज कि वही चीज चल रही है, दिमाग से मसल्स को सेंस आनी है, सेंस जब मसल्स को सेंस आएगी सेंसर्स उसको कैच करेंगे, सेंसर्स कैच करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग मूव। अच्छा देखने वालों को मैं ये जरूर बताऊं कि मॉस रूटीन में तो अपने सारे काम करते ही हैं, लेकिन ये गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, जो ये इस हादसे से पहले भी बजाते थे उसके बाद अभी भी बजाते हैं, यानी इन्होंने अपने शौक को भी नहीं छोड़ा और अपने काम भी जारी रखे हुए। नेगेटिविटी आई लोगों की तरफ से, वो एक अफसोस का एलिमेंट होता है कि वो जवान बच्चा आपका अम्मा को अब्बा को वो एक अलग सा टेंशन का माहौल बन जाता है। ऐसे था कि था, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है, अब ये लगता है, पहले भी लगता था कि यार मेरे अलावा बाकी सबको अफसोस था, ठीक है कि वो सारे देख रहे थे, मैं एग्जैक्टली यही, मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एम्पिटेशन इवन जब हो गई हाथ उन्होंने रिमूव कर दिया, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे के हॉस्पिटल में भी इवन कि खैर है यार मैं, क्योंकि वही मुझे पता है कि जहां से वापस आ रहा हूँ कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला यहाँ तक लेकर आए हैं, अल्लाह ताला ही आगे तक लेकर जाएंगे, अल्लाह खैर करे कुछ नहीं होगा, ठीक है तो वही चीज के जब विल पावर स्ट्रांग रही ऐसे सब चीजें सेट होना शुरू हुई, पर्सनल में भी इमोशनली भी मेंटली भी, ठीक है कि यार खैर है तो उसको कोप अप करना शुरू कर दिया उधर से कि अब छोटे छोटे काम करना शुरू करें। तो सबसे पहला काम था करने वाला जो कि मैं हर दफा मेंशन करना चाहता हूँ इस जगह पे कि मैंने जब ये हो गया इंसिडेंट हॉस्पिटल से घर वापस आ गया तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने नर्सरी की बुक्स मंगवाई, ठीक है कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करूं, मैंने एबीसी से स्टार्ट करते हैं, मैं कोई मसला नहीं, 26 इयर्स पहले ठीक है जब मैं बच्चा था अम्मी करवा रही है काम कर रही है एबीसी लिखनी है वो तब भी तो कुछ नहीं आता था, तब भी तो कुछ नहीं आता था, ठीक है अभी तो फिर भी दिमाग चल रहा है खुद करते हैं, तो स्टार्ट एबीसी से किया, अभी रवानी आ गई लेफ्ट हैंड से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया, बहुत बेहतर कुछ चाहा ना इसलिए बिल्कुल। अच्छा अब हमें उन लोगों के हवाले से कुछ कहिए जो अच्छे खासे हैं, वो भीख भी मांगते हैं, वो अच्छे खासे हैं, वो गलत कामों में भी पड़े हुए हैं, वो अच्छे खासे हैं, वो कमा के खा सकते हैं लेकिन वो नहीं कमा के खाते, जी जी उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि ब्लेसिंग्स हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके पास अभी हैं उनको फील करें, उसकी कदर नहीं है, उसकी कदर नहीं है, क्यों मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हॉस्पिटल में भी बन था डॉक्टर के पास तो मैं डॉक्टर को यहाँ तक ऑपरेशन में हम लोग बड़ा अच्छा माहौल बन गया था, इवन डॉक्टर्स के साथ भी बहुत अच्छा बन गया, तो मैं डॉक्टर को ये कहता मैं अगर एक उंगली भी बचती हुई तो बचाइएगा, क्यों क्योंकि राइट हैंड से मेरे से ये भी नहीं हो पा रहा था और मुझे अब ये लेफ्ट हैंड से हो रहा है ना तो मुझे ये भी ब्लेसिंग फील हो रही है, तो अपने आप को ब्लेस्ड समझें, सारी चीजें सारे प्रेशर सारे डिप्रेशन टाइमली है हो जाएंगे खत्म उसको। अच्छा, अभी अभी आपको बाहर के ममालिक से भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, फरहान सईद ने आपके लिए ट्वीट किया है, उन्होंने आपको बाकायदा अपने कॉन्सर्ट में बुलाया है कि वहां पर आके गिटार प्ले करना है आपने, बेसिकली ऐसे ही है, उन्होंने रीट्वीट किया, ट्वीट किया था उन्होंने पहले मेरी स्टोरी को, मैंने उनको जब थैंक यू कहा तो लाइक क्योंकि मैंने अपने पहले एक इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन हुआ था कि बाप आगे क्या देख रहे हैं म्यूजिक आप करना चाहेंगे, तो मेरा बस उनके पास यही आंसर था आई विल प्ले। जा रहे हैं आप कॉन्सर्ट में फिर इंशाल्लाह, वो अगर लाहौर में कॉन्सर्ट में तो आप लोगों को गिटार सुनाएंगे, अभी हमारे देखने वालों को सुनाएं कि आपने जो है वो अपनी माजूरी को बिल्कुल आड़े नहीं आने दिया, जो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। जी मॉस
क्या बात है जी, क्या बात है, आपके लिए तो क्लैप होनी चाहिए। मैं ही कर देती हूँ। मुझे ये बताइए कि कर क्या रहे हैं, स्टडी क्या है, जरिया मुआश क्या है, प्लानिंग क्या है आने वाले वक्त की? बेसिकली स्टडी जो मेरी ग्रेजुएशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है और एज मेरी 26 ईयर्स है। ठीक है, तो कह लेंगे वही एक एज का पार्ट वो वाला था जब बंदा अपनी चीजें सीधा कर रहा होता है, बंदा सोच रहा होता है क्या क्या करना है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये कह लेंगे ये इंसिडेंट हो गया तो शायद फ्यूचर बनाने के लिए ही हुआ। ठीक है, पहले पर्सपेक्टिव और थे, अब पर्सपेक्टिव और है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग हो गए? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्गनेस इस तरीके से फील होती है, पहले मैं सोचता था, मैं खुद मानता हूँ इस चीज को, मैं एडमिट करता हूँ इस चीज को, पहले मैं सोचता था कि यार कुछ करना है अपने लिए, करना है अपने लिए, करना है। ठीक है, अब वो सिचुएशन बन गई है कि यार दूसरों के लिए कर लो जो करना है। मेरा इवन ये सारे इंटरव्यूज में आने का और ये सारा कुछ करने का मकसद भी यही था मेजरली, कि अगर ये इस तरह की एक अप्रोच मिलती है, इवन कराची से भी वापस जैसी आया तो कुछ चैनल्स ने वो किया, अप्रोच किया। ठीक है, तो यही मकसद था कि यार अब किसी के लिए कुछ कर सकते तो करें। आपने अपनी माजूरी को एक तरह का खत्म कर लिया ना? जी जी जी, आपने खत्म किया अपनी माजूरी को। हमारे गवर्नमेंट लेवल पे कितनी आपको मदद मिली हमारे हेल्थ सेक्टर से? क्योंकि आपके घर वाले आपके लिए कर सकते थे, उन्होंने आपके लिए किया। हमारे यहाँ ज्यादा लोग गरीब हैं, अगर बेचारे किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो जाता है उनके पास इलाज के पैसे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा मेंशन करता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं कहूँ तो मुझे रिसेंटली इवन सिर्फ मुझे अपना एक सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए था। ठीक है, जिसके लिए मुझे अच्छा खासा ख्वार होना पड़ा, होना पड़ रहा है इवन अभी तक करंटली। ठीक है, कि फॉर्म से सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि मुझे अपना आईडी कार्ड चाहिए। एग्जैक्टली, अपना आईडी कार्ड दिखा रहे हैं कि मैं ठीक था, अब मेरे साथ ये हो गया, मुझे एक सर्टिफिकेट बना दे। जी जी जी, अभी तक वो आपको नहीं मिल रहा? अभी तक तो नहीं, अभी लाइक वो चल रहा है, प्रोसीजर में ही है, वो भी एक लंबा प्रोसीजर है मेरा। ऑलमोस्ट ये जब से मैं आया हूँ मुझे 15-20 दिन हो गए। फॉर्म मिलिया, फॉर्म सबमिट करवाया, अब डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा, वो पूरा एक प्रोसीजर है जो कि मेरे लिए एक डिफरेंट स्टोरी बन गई है, क्योंकि वो जो उनका प्रोसेस है ना वहां पे डील करने का इवन वो भी अच्छा नहीं है। दे इवन यू नो मैं इसका कौन क्या से डिपार्टमेंट में बेसिकली एमईडी आई थिंक डिपार्टमेंट है इनका जो ये चीजें वो करता है, क्योंकि आपको यू नो नादरा के ऑफिस अगर आपको आईडी कार्ड चेंज करवाना है, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, वो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट है। उसका एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस उन्होंने बनाया हुआ है, और वहाँ पे जब आप जाते हैं, इवन मेरे साथ तो ये एक चीज है, वहाँ पे ऐसे ऐसे भी है कि दोनों नहीं है, कोई कुछ किसी चीज का पेशेंट है, किसी चीज का पेशेंट है, वो अच्छा माहौल नहीं है। मुझे लाइक मुझे फील हुआ कि यार चलो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगेन वहां जाके अल्हम्दुलिल्लाह निकला कि यार चलो अल्लाह का शुक्र है मैं टांगों पर खड़ा हुआ, और सारा वो वहाँ पे जाके बिल्कुल एक डिफरेंस है। पेरेंट्स छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं, स्पेशल आपको करना चाहिए कि एक बंदा आ रहा है उसकी आप हेल्प करें। नॉर्मल की भी उतनी होनी चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा। ये आपका शिकवा है जी, हमने पहुंचा डिपार्टमेंट की तरफ हमने पहुंचा दिया है। अभी हम आपसे चाहेंगे कि कुछ गिटार पे आप हमें सुना दोनों। एक मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा सेट करूं हाथ को अकॉर्डिंग टू दिस। अच्छा, इसके साथ हाथ के साथ एक डिवाइस भी है जिसको जी, पावर बैंक है, पावर बैंक है जिसके साथ एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं इसको पावर उसकी लो कर देता हूं ताकि वो मेरे लिए प्ले करना आसान हो। बहुत शुक्रिया मौज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और इसी तरह आप आने वाले वक्त में तरक्की करते रहे। नाज़िम मुझे इजाजत दीजिए, फिर की सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।